हेलो दोस्तों, पालनहार योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने जो है सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान कर दिया और सभी को जो है बढ़ी हुई सहायता राशि मिलना शुरू हो गई है। अब पालनहार योजना के तहत आपको जो है 1,000 नहीं 750 नहीं 4,500 रुपये प्रति माह सरकार देने जा रही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, किन किन कैटेगरीज को ये 4,500 रुपये दिए जाएंगे और क्या करना होगा ये सहायता राशि पाने के लिए, पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पालनहार योजना के तहत सरकार ने जो बजट में कहा है कि वो सहायता राशि को बढ़ाने जा रही है, जहां 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को 500 रुपये के स्थान पर 750 और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1,000 के स्थान पर 1,500 रुपये दिए जाएंगे। ये सरकार ने जो है बजट में जो है प्रस्तावित किया था। अब इस प्रस्ताव को जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, सहायता राशि को जो वृद्धि की जो है सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है और ये चीज़ें लागू होना शुरू हो गई हैं। आपको बता दूं, सरकार द्वारा जो है पालनहार के लिए शिक्षा के लिए बच्चों को जो है सहायता राशि दी जाती है, जिसमें अब आपको 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिमाह 750 रुपये और 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह, 1,000 के स्थान पर 1,500 रुपये प्रतिमाह सरकार द्वारा दिए जाएंगे। वहीं अनाथ बच्चों की बात कर ले तो उनको पहले से ही 1,500 और 2,500 रुपये जो है 2,500 रुपये की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। सरकार ने बताया कि 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को जो है इसका लाभ मिलने वाला है, जो कि पालनहार योजना के तहत जुड़े हुए। मैं आपको बता दूं कि पालनहार योजना के तहत आप अधिकतम 3 बच्चों को जो है जुड़वा सकते हैं। अगर उनकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 18 वर्ष के बीच में है तो हर बच्चे को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके तहत आपको 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपको करना क्या होगा इसके लिए। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ अपना फॉर्म, जैसे आप हर साल रिन्यूअल करवाते हैं, उसको आपको रिन्यूअल करवाते रहना है। अगर आपने रिन्यूअल नहीं करवाया तो ना तो आपको सहायता राशि मिलेगी, ना ही बढ़ी हुई सहायता राशि मिलेगी। अब बात कर लेते हैं ये चीज़ें लागू कब से होंगी। तो मैं आपको बता दूं, नए सत्र में 1 जुलाई से ये पैसे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। 1 जुलाई से जो है बढ़ी हुई सहायता राशि लागू हो जाएगी। इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है सरकार द्वारा। सरकार ने इस पर ऑफिशियल ट्वीट किया है, जिसके कटिंग आप देख रहे हैं। ये सरकार द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि 1 जुलाई से जो है आपको सहायता राशि बढ़ी हुई मिलेगी, यानी आपको 550 के स्थान पर 750 और 1,000 के स्थान पर 1,500 रुपये अब सहायता राशि सरकार देगी 1 जुलाई से। तो ये अपडेट थी कि सरकार ने जो है पालनहार की सहायता राशि बढ़ा दी है, उसको मंजूरी मिल गई और 1 जुलाई से अब सभी को जो है बढ़ी हुई पैसे मिलेंगे। उसके लिए आपको अपना फॉर्म रिन्यूअल करवाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।